अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारा जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वेक्टर्स, आज उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आता है। इसका नाम है जी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। अभी लास्ट टाइम हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया था उसकी, ये जो इसे मैं पिन कर रहा हूँ आप इधर से देख सकते हो। अब हमारे पास है जी उसके अंदर एक टाइप की प्रोडक्ट, दो टाइप से हमने उधर प्रोडक्ट्स देखी थी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम देखेंगे जस्ट स्केलर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूं स्केलर प्रोडक्ट या दूसरा नाम क्या है इसका, डॉट प्रोडक्ट। मींस स्केलर का नाम हमने बताया था कि भाई इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका जवाब स्केलर क्वांटिटी आ जाता था, और डॉट इसलिए कि इसको जो एक्सप्रेशन है लिखने का इंडिकेशन के लिए हमने इसके लिए डॉट इसके लिए मुख्तस किया था, तो इसलिए हमें इसे डॉट प्रोडक्ट का नाम दे दिया। अब जब भी हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना तो ऑब्वियसली हमारे पास भाई दो होंगे, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो लेट्स सपोज ये आपके पास जी दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए और यहाँ पर एक वेक्टर आपको इधर बना लेते हैं हम, दिस इज वेक्टर बी। तो आपने इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी के साथ। तो जब आपने ए को बी के साथ करना है तो इसके लिए चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट हो, इसके लिए इन दोनों वेक्टर्स को कॉमन ओरिजिन पर लेके आते हैं। तो अगर मैं इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करूं ये वाला, तो इसके अंदर अगर हम इन्हें कॉमन ओरिजिन पे लेके आए तो ब्लू वेक्टर ऐसे बनेगा, ये आपके पास वेक्टर ए, और कॉमन ओरिजिन का मतलब है कि इन दोनों की टेल्स को एक ही जगह पर ले आएंगे। तो जो वेक्टर बी है वो कुछ इस अंदाज से बनेगा, हाँ मैंने कहा ठीक हो गया भाई। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों के दरमियान में आपस में कुछ ना कुछ एक एंगल होगा, एंगल थीटा, इन दोनों के दरमियान में आपसी एंगल, ये आ गया जी एंगल थीटा, ये इन दोनों के दरमियान का एंगल है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया जी वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब हमने देखना है कि इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसे लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि जी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये होता है वेक्टर ए एज सच उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी विच इज प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो ए को सपोर्ट कर रहा है ए की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इधर कंपोनेंट्स बनाऊं तो इस बी के अगर आप गौर से देखो तो ये यूं कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के जो सामने होगा वो बी वाई होगा और जो बिल्कुल थीटा के साथ होगा इधर वो बी एक्स होगा, यानी कि ये वाला जो ये वाला है ये आपके पास होगा बी एक्स और ये होगा बी वाई। अब जो ए को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट का मतलब है अगर मैं इधर धक्का लगा रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करने का मतलब है कोई मेरी ही डायरेक्शन में बैक एंड पे मुझे सपोर्ट करे, इसी डायरेक्शन में धक्का लगाए, ना आगे ऊपर से धक्का लगाए या ऊपर की तरफ धक्का लगाए। इसका मतलब है कि मैं इधर बात कर रहा हूँ द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन ए, यानी कि वो वैक्टर बी दूसरे का वो वाला हिस्सा या वो वैल्यू जो पहले वैक्टर को सपोर्ट करती है। तो मैं कहूँगा इधर पहले वैक्टर को कौन सपोर्ट करती है, तो जाहिर सी बात है बी एक्स, और बी एक्स असल में क्या है प्रोजेक्शन ऑफ बी किसके ऊपर, जो वेक्टर ए है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये किसी और अंदाज से बने से लाजमी नहीं है कि इधर एक्स एक्सिस पे ही बने, लेकिन आपने सिर्फ वो देखना है कि वो टुकड़ा जो ए को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर सपोर्ट सिर्फ हर बार एक्स ही कर रहा है। तो मैं इधर लिखूंगा ए, बल्कि सॉरी इसे लिखते हैं हम ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि वेक्टर ए मैंने वैसे लिखा, इसका मतलब है कि ए ये जस्ट मैग्नीट्यूड है एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसका मतलब क्या बना कि इधर मैं लिखूंगा ए और क्या प्रोजेक्शन है वो है जी बी एक्स, तो क्या बनेगा ए बी एक्स बराबर था बी कॉज ऑफ थीटा के। तो अब मैं लिखूंगा ए बी कॉज ऑफ थीटा, इसका मतलब है कि ए डॉट बी किसके बराबर है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। अच्छा इसको एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई हमें देखने में ये लग रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट ऑफ बी, बी का वो कंपोनेंट इन दी
डायरेक्शन ऑफ ए, ए की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। तो उधर भी अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा ए, और कंपोनेंट का नाम क्या है बी कॉज ऑफ थीटा। तो आंसर क्या बन जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा, यानी कि ये पहले वाला तो उसने इसके मुताबिक बनाया। अगर वो फर्ज कर लो वो कहता है ऐसी सिचुएशन ही बनती है, आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपने क्या देखना है, फिर आपने देखना है कि फर्ज कर लो ये जो इमेज यूं है इसको घुमाकर यूं कर देते हैं, तो आपने देखना है कि दूसरा वेक्टर जो बाद में आता है उसकी वो कंपोनेंट की वैल्यू उठानी है जो पहले की डायरेक्शन में हो, मींस के सपोर्टिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट। तो वो वाला हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसको मैं कुछ यूं भी कह सकता हूं ए डॉट बी आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, अगर जनरल फॉर्म में से मैं कहूं, ठीक है आगे मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉज ऑफ एंगल। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो भाई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका कॉज, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए डॉट बी उसका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है, ठीक है जी। तो ये था आपके पास जो इनका आंसर है ए डॉट बी, ठीक है। इसको अब हम कुछ यूं भी कह सकते हैं इस अंदाज से, ओहो, कि हम इधर कहते हैं कि भाई इसकी मतलब जो कोई बंदा हमें ये कह देता है कि भाई बी डॉट ए निकाल के दें, तो अगर हम इधर से देखें इसको तो मैं कहूँगा जी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मतलब बी, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो आंसर क्या बनेगा ए बी कॉज ऑफ थीटा, या इसको यू भी कह सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी इंटू ए एक्स विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ए एक्स जो बराबर होता है वो बराबर होता है ए कॉज थीटा के। तो उसने कहा चलो सर ये रिटर्न में तो हमें समझ आ रहा, अभी जो आपने डायग्राम बनाई है उसी को दोबारा बी यानी कि बी की सेंस में बनाई, एक एक्स कंपोनेंट की सेंस में बनाए। तो याद करो ये भी डायग्राम कुछ यूं बनी हुई थी, ये आपका ए कहता था और ये आपका कौन होता था वेक्टर बी होता था। तो इधर आपने ड्रा करना है ए को, तो ए को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि डायग्राम सही बन जाए। तो अब क्या करना है कि अब आपने ए के, देखो बी वैसे ही आएगा लेकिन अब ए के वो टुकड़ा देखना है जो बी की डायरेक्शन में है। तो अगर आप इधर देखें सॉरी इनके दरमियान में एंगल थीटा, लो भी थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका कंपोनेंट। तो अगर आप कंपोनेंट ड्रा करो इधर से तो ये यूं बनेगा, तो थीटा के सामने आ जाएगा ए वाई और इधर आ जाएगा ए एक्स। तो क्या बना बी के डायरेक्शन में वो कंपोनेंट जो सपोर्ट कर रहा है। तो इधर आप गौर से देखो तो ये कौन सा कंपोनेंट है ए एक्स, तो फिर क्या बना ए बी इंटू ए एक्स इसके बराबर है कॉस थीटा के, तो क्या बनेगा ए बी कॉस थीटा। किसने कहा सर ये बी ए कॉस थीटा नहीं लिख सकते, मतलब कि इसका बनना तो ये था वैसे बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। तो अभी बताया वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स, हाँ जी। तो मैग्नीट्यूड्स के अंदर ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आल्सो इज इक्वल टू 6, जिसका मतलब है कि ए बी आल्सो इक्वल टू बी ए, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड्स होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो आप ए बी लिखो और बी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ कॉज ऑफ थीटा, थीटा जो है वो खुद बजाते खुद हमारी इधर क्वांटिटी नहीं है लेकिन कॉज के साथ जब उसे मल्टीप्लाई करते हो तो एक नंबर बन जाता है स्केलर क्वांटिटी, तो वो स्केलर को फिर यही सेंस आ जाती है। तो इसका मतलब है कि बी ए बी कोस थीटा या बी ए कोस थीटा ये बराबर हो सकता है दोबारा किसके ए बी कोस थीटा के। तो इसका मतलब है कि ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ से अगर ये बराबर है तो इनके अंदर वैल्यूज के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो स्केलर या स्केलर या स्केलर, तो स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, तो आंसर भी क्या बनेगा स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स में हमने जो रिएक्टेंट्स थे मींस के जो हमारे पास वैल्यूज थी वो वेक्टर थी, लेकिन इधर आंसर क्या बना स्केलर। सेम इधर या इधर कर लो इस जगह कर लो, ये वैक्टर लेकिन आंसर आपके पास क्या बन रहा है स्केलर। तो चूंकि वैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर स्केलर बन रहा है इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बाकी देखते हैं आगे।
इसकी एग्जांपल है आपके पास वर्क, ये देखें, ये आपके पास कोई भी बॉडी है जिसका मास है जी एम, इसके ऊपर कोई बंदा यूं फोर्स लगा रहा है एफ, ये फोर्स है और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इनके दरमियान में कॉमन एंगल, वो जो एंगल आ रहा है आपके पास वो थीटा आ जाएगा। तो अब आपने बताना है कि इनका जो आंसर इस दोनों को ज़रब दे वेक्टर को वो क्या होता है। तो आपको पता है जो वर्क होता है वो इनका आंसर होता है, वर्क बराबर होगा एफ डॉट टी, एफ वैसे ही दूसरे का वो कंपोनेंट कॉस ऑफ थीटा, लेकिन डी के बनाने की बजाय इधर मैं फोकस करूँगा कुछ इस तरह कि मैं एफ के दो कंपोनेंट बना लूँगा, ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ वाई। तो अगर आप गौर करो तो डी को कौन सा कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा है, वो एफ ऑफ एक्स है। तो इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी। तो अब आप लिख सकते हो एफ डी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स है वो है जी एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू डी। तो क्या बन जाएगा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और इसकी एक और एग्जाम्पल है जी पावर, पावर होता है एफ डॉट वी विच इज इक्वल टू एफ वी कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब है जो थीटा है वो दोनों के लिए सेम आएगा, दूसरी चीज़ कॉज दोनों के लिए सेम आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड लिखो पहले या दूसरे का मैग्नीट्यूड लिखो पहले, चूंकि ये स्केलर है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज योर स्केलर प्रोडक्ट। आगे इसके यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात, वो खसूसियात देखते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आपके लिए लाजिम है कि आप पहले ये सारी कहानी लिखें, फिर उसकी एग्जाम्पल लिखें और उसके बाद आप इसकी खसूसियात की तरफ मूव करें, ठीक है। तो इसे खसूसियात को बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक खसूसियात। तो सबसे पहली खसूसियत इधर मैं लिखता हूं स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बोलते हैं ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कम्यूटेटिव बोलते हैं जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, मीन्स कि 2 जरब 3 करो या 3 जरब 2 करो आंसर सेम आता है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने लिखा था a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और मैंने ये भी लिखा कि b डॉट a इसका आंसर भी हमारे पास बना था ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो अगर आप इस इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो तो इसके मुताबिक a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इसका मतलब है कि दो वैक्टर्स को आप अगर डॉट प्रोडक्ट में लेते हो, दो ही होंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट लो, आप ऑर्डर का ख्याल ना करो, पहले को पहले रखो या पहले को बाद में रखो, उनका जवाब हर बार क्या आएगा, सेम आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, तो ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। अच्छा जी, दूसरा करैक्टरिस्टिक देखते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स परपेंडिकुलर यूं बनता है आपके पास इज जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगी। ये देखो जी, लेट्स सपोज ये आपका वेक्टर वन है, दिस इज ए और ये बी है। आपने कहा भी इतने 90 पे क्यों बनाया, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 पर। तो बताओ इनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, तो स्केलर प्रोडक्ट होगी a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ज़रा पुट करें, a और b वैसे ही मैग्नीट्यूड cos, cos 90, और जो cos 90 होता है मेरे बच्चों उसका मतलब होता है cos 90 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इधर ज़ीरो पुट करें तो आपके पास a डॉट b आएगा ए बी कॉस 90 की जगह जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 90 यानी कि 90 के एंगल पर जीरो होती है, ठीक है। अब साथ ही वो कहता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मैंने कहा भी कौन से यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन से वाले, आई जे के वाले। तो ये देखें जी, आई जे और K,
ओके, अगर हम आई जे और के की सेंस में लिखें तो फिर इनकी क्या बनेगी, वो जीरो बनेगी। कैसे, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे आई डॉट जे करते हैं तो पहले आई यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन, दूसरा जे है तो जे का मैग्नीट्यूड भी वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना तो मैग्नीट्यूड लिखने हैं पहला। और कॉस, अब चूंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये और ये वाला जो है ये आपकी तरफ है यूं करके, तो इनके दरमियान में एंगल कितना आ जाएगा 90, कॉस 90 जीरो, वन इंटू वन इंटू जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो। इसी तरह अगर मैं जे डॉट के करूँ तो वन वन कॉस 90, तो आंसर जीरो। और के डॉट आई करूँ तो वन वन कॉस 90, तो भी आंसर जीरो। इसका मतलब है कि अगर ऑपोजिट हों, कौन से, अगर ऑपोजिट हों आपके पास यूनिट वेक्टर्स, तो उन सब की डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी। तो इधर मैं लिखूंगा आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू, इनके उल्टे लिख दो, जे डॉट आई इंटू के डॉट जे इंटू आई डॉट के इज इक्वल टू जीरो। कि चाहे ये सीधी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे उल्टी डायरेक्शन में, मतलब आई जे के हो रहे हैं या के आई जे उल्टे हो रहे हैं, अगर ऑपोजिट है तो इन सब की जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब में एंगल कॉज 90 बन रहा होगा। अब आ जाए जी ये करैक्टरिस्टिक इसका था नंबर टू, अब आ जाए जी करैक्टरिस्टिक नंबर थ्री की जाने। थ्री, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम। दो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। सपोज दिस इज वन, ये ए है और ये दूसरा आपके पास है जी इधर बी, तो अभी वही वाला रूल लगाएंगे कि इन दोनों का ओरिजिन कॉमन हो जाए, तो कॉमन ओरिजिन के ऊपर अगर ये ए बना है तो बी भी कहां पर होगा, एग्जैक्टली इसके बिल्कुल ऊपर, क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम करना है। अगर दोनों की लेंथ सेम है, फर्ज कर लो कि हम बी की लेंथ को छोटा कर लेते हैं, तो फिर ये ए यूं बनेगा और बी की अगर लेंथ छोटी है तो कॉमन ओरिजिन यहां पर आ गया, दोनों की टेल बराबर आ गई, तो ये आपके पास आ जाएगा बी। तो अब बताओ इनकी जो पैरेलल है वो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। मैंने कहा भी कैसे, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन के अंदर हो गए तो इनका आपस में जो एंगल बनेगा वो जीरो डिग्री बनेगा। अब आगे चलते हैं, ए डॉट बी सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम में होंगे तो आपस में एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो मेरे दोस्तों वन होता है, तो फिर क्या बना, ए बी इंटू वन, तो आंसर क्या बना, ए और बी। तो यानी कि ए और बी इसका आंसर बनेगा, कॉस वन आ जाएगा। कॉस की जो रेंज होती है वो माइनस वन से लेकर वन तक होती है। इसका मतलब है कि कॉस का कम से कम आंसर माइनस वन आता है और ज़्यादा से ज़्यादा वन आता है, और इसके अलावा आंसर इनके दरमियान में होता है। मीन्स कि अगर जीरो है तो जीरो, वन से अगर छोटा है तो जीरो पॉइंट समथिंग होगा, और अगर जीरो पॉइंट समथिंग वैल्यू को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। इधर आंसर, इस पूरे का आंसर मैक्सिमम सिर्फ तब आ सकता है कि अगर ये वाली चीज़ अपना आंसर वन दे, और ये कब वन देगी, जब एंगल जीरो होगा। तो इसलिए वो कहता है कि जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। तो कॉस का आंसर वन मैक्सिमम, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को तब टच करता है जब वो जीरो पे हो, तो इसका मतलब है कि इनका आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर इन टर्म्स ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपके पॉइंट नंबर थ्री का ही हिस्सा है। इन केस ऑफ एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अगर ए इधर है तो बी किधर होगा, बी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट को इधर बनाए ज़रा, तो ये आपके पास ए बनेगा, तो ओरिजिन कॉमन करना है तो ये आपके पास बी बनेगा। तो अगर आप इनके दरमियान में एंगल देखें तो एंगल बनेगा 180। तो एंटी पैरेलल की सेंस में आपने बताना है, तो आपके सामने क्या रूल है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा,
ए बी कॉस 180, कॉस 180 होता है भाई साहब आपके पास माइनस वन, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए बी, कि उनकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये माइनस इधर वैल्यू को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये माइनस इधर इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, बस, क्योंकि जो आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होता। और इधर सेम हम करेंगे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर टू में किया, तो यूनिट वेक्टर्स के सेंस में हम कैसी कहानी लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर्स ये हैं आई जे के, तो इनकी सेंस में कहानी कैसे लिखेंगे, इनकी सेंस में लिखेंगे कि भाई आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड वन, दूसरे का वन कॉस, चूंकि पहला आई इधर है, देखो पहला आई इधर है, तो किसी और एक्सिस का जो एक्स एंगल एक्स डायरेक्शन है उसका आई भी इधर होगा, तो आई डॉट आई दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा जीरो, उसी तरह वन वन कॉस जीरो वन, तो आंसर क्या बनेगा वन। तो अगर मैं जे डॉट जे करूं वन वन वन, तो आंसर क्या बनेगा वन, इसका मतलब मैं लिखूंगा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू वन, तो आई डॉट आई यानी कि अगर सिमिलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर वन बनता है, मींस के अगर ऑपोजिट हो तो जीरो, सेम हो तो वन, ठीक है। ये आपका था पॉइंट नंबर थ्री। अब आ जाएंगे पॉइंट नंबर फोर पे, सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, कि अगर आप किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ सेल्फ प्रोडक्ट ले लें, ये देखें जी आपके पास वेक्टर ए है, तो इसके साथ इसकी सेल्फ प्रोडक्ट लेनी है, तो ये ए दूसरा ए भी एग्जैक्टली यही बनेगा, तो आप लिखोगे ए और फिर ए, तो अगर आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लें तो आप लिखोगे भाई ए डॉट ए, तो क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा इनका जीरो, तो आप लिखोगे ए ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो भी आपको बताया कि वन होता है, तो क्या आ जाएगा ए ए इंटू वन, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर। तो सेल्फ प्रोडक्ट में आपने सिर्फ एक काम किया, आपको ये लग रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, लेकिन हकीकत में कुछ और भी हुआ है। हकीकत में क्या हुआ कि जब आपने सेल्फ प्रोडक्ट ली तो आपने उसकी दोनों वैक्टर्स यानी कि उसी वैक्टर की वैक्टर नेचर को ख़त्म करके उसे कन्वर्ट कर दिया एक स्केलर नेचर के अंदर। तो असली कहानी ये है सेल्फ प्रोडक्ट की, कि जब आप किसी भी वेक्टर की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो असल में आप उसकी वेक्टर नेचर को ख़त्म करके उसे स्केलर नेचर में कन्वर्ट कर रहे होते हो। ये आपका था पॉइंट नंबर फोर। अब लास्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर फाइव, वो देखना है और वो बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है, क्योंकि उसी बेस पर आपके आगे सारे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स हल होती हैं, ठीक है। तो वो मैं इधर बनाता हूँ, वो कहता है जी डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सेंस में आपने डॉट प्रोडक्ट बता दिए, ठीक है। तो अगर मैं एक वेक्टर ए लिखूं तो मैं वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर सेंस में लिखूंगा ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, और अगर मैं दूसरा वेक्टर बी लिखूं तो उसको मैं लिखूंगा बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, यही लिखूंगा। अब मैंने लेनी है इनकी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि मैंने लिखना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट इंटू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह बी की वैल्यू। तो इसको लिखने से पहले मैं इधर जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं दूसरा और तीसरा उस पॉइंट की कुछ वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं इधर लिखता हूँ। देखो हमने पढ़ा था आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई जे डॉट आई के डॉट जे और आई डॉट के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी के साथ ही
जो आपने इधर ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, वो ये वाला है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू वन। तो इन दो चीज़ों को देखना है और इधर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको मैथ में आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आपके पास ये वैल्यू लिखी है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या होता है कि ये जो x है ये इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये y इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये z इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, वारी वो मतलब के वन बाई वन, कि पहले ये इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इन तीनों से करेगा, फिर ये इन तीनों से करेगा। तो सेम हम इसी सिनेरियो को इधर लगाएंगे, ज़रा देखते हैं कैसे होता है। तो अगर मैं इधर पहली टर्म देखूं तो ये है, तो ये इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर मैं इधर लिखूं तो मैं लिखूंगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, यही है, क्योंकि ए एक्स आई भी एक वेक्टर है, बी एक्स आई भी एक वेक्टर है, जिसमें ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड है, इधर बी एक्स मैग्नीट्यूड है, आई यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये वैल्यूज मतलब वेक्टर्स इंडिकेशन दे रहे हैं, प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी जेड के, यही सीन बनेगा आगे जी। अब ये वाली वैल्यू इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगी, प्लस इधर प्लस आ जाएगा ना आगे की सेंस में, जो इधर है मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है। तो उसी स्नैरी को आप इधर अप्लाई करोगे ए वाई जे डॉट बी एक्स आई प्लस ए वाई जे डॉट बी वाई जे प्लस ए वाई जे डॉट बी जेड के, ये होगी जी दूसरी टर्म। अब है जी लास्ट टर्म, प्लस ए ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस ए जेड के डॉट बी वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी जेड के, यही बनेगा, हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी पूरी। अब हम ऊपर वाली टर्म में से ए एक्स और बी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, जिसे लिखते हैं आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये बाहर आ सकते हैं, तो क्या बनेगी आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ठीक है, प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, याद आया। अब इस चीज़ को देखेंगे, अगर ऑपोजिट हैं यूनिट वेक्टर तो आंसर जीरो, क्यों जीरो, के एंगल 90 बनता है, और अगर सेम है तो आंसर वन बनता है। तो इसी चीज़ को आप अब इधर अप्लाई करें, क्या आएगा ए एक्स बी एक्स वन प्लस ए एक्स बी वाई ज़ीरो प्लस ए एक्स बी जेड ज़ीरो प्लस ए एक्स ए वाई बी एक्स ज़ीरो प्लस ए वाई बी वाई वन प्लस ए वाई बी जेड ज़ीरो प्लस ए जेड बी एक्स ज़ीरो प्लस ए जेड बी वाई ज़ीरो प्लस ए जेड बी जेड इंटू वन। तो आप अब गौर से इसको देखें तो आप देखेंगे इधर क्या बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आगे प्लस ज़ीरो प्लस ए वाई बी वाई प्लस ज़ीरो, इधर आ जाए जी ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ज़ीरो प्लस ए जेड बी जेड, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये चीज़ निकली है। इस चीज़ को मैं लिखता हूँ अब इस जगह पर, इसका मतलब है कि जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सारी कहानी को, तो आंसर मेरे पास बना इधर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड और बी जेड। इसका मतलब है कि इस साइड पे क्या लिखा हुआ था, इस साइड पे लिखा हुआ था ए डॉट बी ये, और हमें ये भी पता है कि ए डॉट बी आल्सो इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो अगर लेफ्ट और इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो मैं इधर लिखूंगा ए बी
कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड और बी जेड। तो यहाँ से कॉज थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ओवर ए और बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। ए और बी आर दी मैग्नीट्यूड्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड उनके ए एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को आप अप्लाई करें तो यहाँ पर ये कॉज ऑफ थीटा के बराबर है, तो अगर किसी ने थीटा निकालना हो तो कॉज दूसरी जगह दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। इसका मतलब है कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इस पूरी वैल्यू को ए के मैग्नीट्यूड पे भी डिवाइड कर दोगे बी के भी फिर एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का कॉज इनवर्स ले लोगे तो आपको पता लग सकता है कि जो वेक्टर ए और बी है उनके दरमियान में कितना एंगल बना हुआ है, यानी कि इस लास्ट पांचवें पॉइंट से आप उनके दरमियान में एंगल्स ढूंढ सकते हो, आप ए और बी की मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हो, आप प्रोजेक्शन ढूंढ सकते हो और इससे रिलेटेड जो इधर टर्म्स आ रही हैं उनमें से कोई भी चीज़ को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए ये पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो वो आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।